जी, ये मैं पहुंच गया हूँ। ये टरबाइन लगी हुई है इन लोगों की, जो रकबा हम से आप लोग मतलब सेल करवा रहे हैं ना, ये रकबा जिस रकबे की मैं बात कर रहा हूँ। आगे मकई है, ये आगे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। हाँ जी, ये मकई वगैरह है, मैं अभी इसकी आपको फुल वीडियो वगैरह सारा कुछ देता हूँ बना के। ये मकई है, ये गालमन, ये मकई लगी हुई है ना, ये 2 एकड़ 2 एकड़ ये हो गए मकई वाले। आगे ये कपास है, कपास वाला रकबा है, कपास लगी है गालबन, ये काफ़ी वो जहाँ तक घर बने हुए ना वहाँ तक इसका फ्रंट है। उधर से भी मैं आपको दिखा दूँगा। ये मकई है और ये अपना कपास लगी है, कपास में भी माशाल्लाह से चुनाई काफ़ी हो गई हैं। अब तो यहाँ पे कनोला काश्त होगा या लोग आलू लगा लेंगे जैसे उनकी मर्ज़ी है, जो यहाँ पे नहीं आएंगे। ये देखो जी, ये मकई है, मकई वाला प्लॉट भी इसके अंदर है। आगे कपास है, काफ़ी आगे जाना पड़ेगा इसलिए मैं ना अब यहीं से वापस चला जाता हूँ। गालबान इसका ना, जो अगर टोटल 22 एकड़ हम लेते हैं ना, तो 22 एकड़ के लिए इसका जो फ्रंट बनेगा ना गालबन, ये इस साइड से 3 पट्टियाँ जाएंगी 5 5 एकड़ की, 15 एकड़ इधर हैं, 2 2 एकड़ साइड पे आ जाते हैं। साथ ही इसके साथ में इन लोगों ने सड़क छोड़ी हुई है सालंग वाली, और आगे मैं आपको दिखाता हूँ सामने 3 एकड़ 2 कनाल इन लोगों ने सामने है, जिसमें डेरा बना हुआ है 1 एकड़ में गालबन, 1.25 एकड़ में। बाकी का जो है वो क्या उसे कहते हैं, वहाँ पे चारा वगैरह काश्त किया हुआ है। ये हो देखें, यहाँ तक आबादी आ जाती है ना आगे, वहाँ तक इसका फ्रंट है, सोलंग है आगे लगा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं ना ये देख लें, अभी मैं वहीं से आगे शुरू कर देता हूँ। ये गालबन 3 एकड़ का फ्रंट बनता है इसका जो है ना। ये आ गया वहाँ पे, मैं यहाँ पे आबादी है ना, आबादी के साथ इसकी मतलब कह लें कि स्टार्ट हो जाती है ये ज़मीन की जो है ना पमाइश वगैरह। ये देखें, ये नहरी खाला है, और ये इसकी क्या कहते हैं सोलंग लगा हुआ है, ये भी सड़क जाती है इसकी, ये टच ज़्यादा करती है। अभी देखें, ये यहाँ से लेके वो आगे मकई तक जाती है गालबन, ये ना 3 साढ़े 3 एकड़ का फ्रंट बनता है।